प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद की मांग बिल्कुल ठीक है, महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश भी वर्जित होना चाहिए। इस दौरान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अमिताभ बच्चन की फिल्म का गीत भी गुनगुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब गैर हिंदू भगवान राम के नहीं है तो फिर महाकुंभ में उनका क्या काम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पूर्व में कई थूक कांड सामने आ चुके हैं, ऐसे मामलों में सबक लेने की जरूरत है। जिन्हें सनातन के बारे में जानकारी नहीं, वे सनातनी लोगों के बीच में बैठकर व्यापार नहीं कर सकते। ऐसे में वे अखाड़े के फैसले का स्वागत करते हैं। जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहाँ भगवान रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या है भाई। हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ।